सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम और जय मसीह की। एक बार फिर आपका बाइबल की बात में स्वागत है। मैं तरुण जॉन आपको आज फिर से बाइबल में से कुछ बताना चाहता हूँ, बाइबल की बात करना चाहता हूँ और बाइबल के बारे में बात करना चाहता हूँ। पहली चीज, सब्सक्राइब के बटन को दबाइए, उसके साथ ही साथ जो बेल आइकॉन है घंटी है उस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशन आते रहें आने वाले हर एक वीडियो के। मैंने आपको बताया है कि बाइबल की बात फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी है और आप उधर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। मैंने एक वीडियो बनाई थी गॉड्स विल के बारे में, उसके मैंने बताया था कि लोग क्यों जानना चाहते हैं, व्हाई पीपल सीक गॉड्स विल, कि लोग क्यों जानना चाहते हैं, क्यों खोजी हैं परमेश्वर की इच्छा के। कुछ रीज़न थे, पहला रीज़न था कि वो जेन्युइनली चाहते हैं, वो सच में चाहते हैं कि वो परमेश्वर को किस प्रकार से प्रसन्न करें, किस प्रकार से परमेश्वर की इच्छा को जानकर उन्हें प्रसन्न करें। दूसरा था कि वो फ्यूचर के प्रति, भविष्य के प्रति डरते हैं। तीसरा था वो परमेश्वर से डरते हैं कि यदि कुछ वो गलत कर लेंगे अपने जीवन में, यदि परमेश्वर की इच्छा के उलट है तो परमेश्वर उन्हें पनिश करेंगे, दंड देंगे। और फिर मैंने ये भी बताया था कि वो कन्फ्यूज़ है, दुनिया कन्फ्यूज़ है, वो इस असमंजस में, इस दुविधा में है कि परमेश्वर की इच्छा असल में है क्या। तो ये कारण है कुछ कि लोग परमेश्वर की इच्छा को ढूंढते हैं। आज मैं उससे थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि कितनी इच्छाएं हैं परमेश्वर की। हमें दो तरह से परमेश्वर की इच्छाएं पता चलती है, एक है परमेश्वर की सोवरन विल, जिसे कहते हैं संप्रभु इच्छा परमेश्वर की, और दूसरी है परमेश्वर की मॉरल विल, जो है नैतिक इच्छा। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर की सोवरन विल के बारे में, गॉड सोवरन विल, परमेश्वर की संप्रभु इच्छा, मतलब जो दर्शाती है कि परमेश्वर प्रभु हैं हर एक चीज पर। इसका मतलब होता है कि परमेश्वर जो है, गॉड सोवरन विल मीन्स दैट गॉड ऑर्डेन्स एवरीथिंग दैट कम्स टू पास, कि परमेश्वर हर एक चीज को परमेश्वर ने ठहराया है जो इस संसार में हो रही है। परमेश्वर प्रभु है मीन्स परमेश्वर हर एक बात में प्रभु हैं हर एक चीज के प्रति, और परमेश्वर ने जो भी संसार में चीजें हो रही हैं, ये क्रिएशन, ये इतिहास और हमारा जीवन, वो सब परमेश्वर के नियंत्रण में है। यहां तक कि जितने भी बड़े से बड़े आविष्कार हुए हैं इस संसार में, जितनी भी डिस्कवरीज हुई हैं, उनसे लेकर के इस संसार की जो अर्थव्यवस्था है, इन संसार में जितनी भी लड़ाइयां, युद्ध लड़े गए हैं, इस संसार में जितने भी राजनीतिक निर्णय लिए जाते हैं, वो सब पर परमेश्वर प्रभु हैं। ये प्रभु की सोवरेन विल का मतलब है। और जितने भी ऐसे ग्रह हैं, अननोन प्लैनेट्स हैं, जो नई नई डिस्कवरीज हो रही हैं, जो नई नई गैलेक्सीज का पता चल रहा है तारागणों के बारे में, उन सब बातों पर भी परमेश्वर प्रभु हैं। हमारे जीवन के जो बहुत ही गहरे निर्णय हैं और वो जो छोटी छोटी बातें भी हैं, वो सब बातों के बारे में प्रभु जानते हैं, उन पर वो परमेश्वर को हर एक बात का पता है। जब चिड़ियाँ खाना ढूंढने जाती हैं, उनका खाना ढूंढने से लेकर के जब किसी खेल में सिक्का उछाला जाता है, उन सब चीज़ों के बारे में भी प्रभु को पहले से ही पता है। ये बताते हैं कि परमेश्वर सॉवरन है, गॉड इज सॉवरन, कि परमेश्वर की संप्रभुता इन सब चीज़ों पर दिखती है, दैट गॉड इज सॉवरन ओवर एवरीथिंग। हम किस शर्ट का कलर क्या होगा सुबह, हम बस से जाएंगे या हम पैदल जाएंगे या हम कार में जाएंगे, हम किस चीज़ में जाएंगे, सब चीज़ों के बारे में प्रभु को पता है। तो प्रभु हर एक चीज़ पर सोवरेन है, उनको पता है कि उन्होंने क्या ठहराया और कब वो चीज़ को होना है। सो परमेश्वर की मर्जी के बिना, परमेश्वर के ज्ञान के बिना कुछ भी नहीं होता। नथिंग हैपन्स विदाउट गॉड्स नॉलेज, इसका ये मतलब है। एंड नथिंग सरप्राइज गॉड, परमेश्वर को कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो अचंभित करे, कि परमेश्वर को ये लगे कि ये क्या हो गया है, मुझे तो ये पता ही नहीं था ये हो गया। सो ऐसी कोई भी बात नहीं है कि परमेश्वर को जो अचंभित करती है। देर इज नथिंग दैट सरप्राइजेज गॉड, बिकॉज गॉड इज इन कंट्रोल, एवरीथिंग हैपन्स बिकॉज गॉड विल्स इट टू हैपन, सब कुछ जो भी होता है क्योंकि परमेश्वर उसको होने के लिए कहते हैं, ठहराते हैं कि वो चीजें हो जाएं। और कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि परमेश्वर की योजना, परमेश्वर के उद्देश्य को खत्म करे, कोई भी इस संसार में ऐसी चीज नहीं बनी। और हम परमेश्वर की जो इस इच्छा को है, सोवरेन विल जो है, जो संप्रभु इच्छा है, उसको हम अपने जीवन में और कैसे देखते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। पहली चीज, हम परमेश्वर की संप्रभुता को देखते हैं पूरी की पूरी सृष्टि पर और अपने जीवन में भी। परमेश्वर की संप्रभु इच्छा को पूरी सृष्टि पर भी देखते हैं और अपने जीवन में भी। वो कैसे देखते हैं कि परमेश्वर ने ये जो संसार बनाया, ये पूरी सृष्टि की रचना की, ये कैसे की, अपने शब्द के द्वारा। और परमेश्वर के द्वारा ये सारी चीज़ें रची गई हैं,
परमेश्वर के लिए रची गई हैं और परमेश्वर के माध्यम में होकर, परमेश्वर में होकर के ये सारी चीज़ें रची गई हैं। हम जब निर्गमन की पुस्तक देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने इसराइलियों का छुटकारा किया। फैरो जब उनके पीछे पड़े थे, जब उनको दुखी कर रहे थे हर एक चीज़ से, तो परमेश्वर ने कैसे चीज़ों को आप प्रयोग किया ताकि वो इसराइलियों का छुटकारा करें। परमेश्वर ने नाना प्रकार के बीमारियों को लेकर के आए, प्लेग्स को लेकर के आए, विपत्तियां आई मिस्र के ऊपर। उसके बाद परमेश्वर ने जब उन्हें आज़ाद किया, फिर बादल का खंभा भी बने और आग का खंभा भी बने। उसके बाद परमेश्वर ने लाल समुंदर को दुभाग किया, परमेश्वर ने उनको स्वर्ग से मन्ना दिया ताकि उनका पेट भरे, और फिर परमेश्वर ने उन्हें चट्टान से पानी भी दिया। परमेश्वर ने पूरी की पूरी सृष्टि का प्रयोग किया ताकि परमेश्वर उनको छुटकारा दे सके, क्योंकि परमेश्वर ने उद्देश्य कर लिया था कि अब इसराइल का छुटकारा होगा मिस्र से। तो परमेश्वर के उस उद्देश्य को कोई भी नहीं रोक पाया, बल्कि सारी की सारी सृष्टि का परमेश्वर ने प्रयोग किया ताकि इसराइल का छुटकारा हो सके और उनको चीज़ें मुहैया कराई जा सके। जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता उसका 147 का 4, उसमें कुछ इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, वह तारों को गिनता और उनमें से एक एक का नाम रखता है। सो गॉड इज द वन हु हैज फ्लंग स्टार्स इन द स्काई इन द हेवंस एंड ही इज द वन हु नेम्स देम। परमेश्वर है जिन्होंने तारागण को रचा है और वो उनका नाम भी जानते हैं। ये परमेश्वर की संप्रभु इच्छा को दर्शाता है पूरी पूरी सृष्टि के ऊपर और हमारे जीवनों के ऊपर भी। फिर हमें परमेश्वर की संप्रभु इच्छा देखने को मिलती है हर एक निर्णय पर जो इस संसार में बनाए जाते हैं। जब हम पढ़े नीति वचन उसका 16 का 33, उसमें कुछ इस प्रकार से लिखा है, चिट्ठी डाली तो जाती है परंतु उसका निकलना यहोवा ही की ओर से होता है। द लॉट इज कास्ट इन टू द लैब बट इट्स एवरी डिसीजन कम्स फ्रॉम द लॉर्ड। के मतलब पर्चियां जब हम किसी खेल में खेलते हैं कि वो डाली तो जाती हैं परंतु उसका निकलना यहोवा की तरफ से है, मतलब जो निर्णय आना है अंत में वो यहोवा परमेश्वर की तरफ से ही आना है। तो यहोवा परमेश्वर जो है हमारे निर्णयों पर भी संप्रभु है, उनकी संप्रभु इच्छा हमें देखने को मिलती है। उसके बाद प्रभु की, परमेश्वर की जो संप्रभु इच्छा है वो हमें देखने को मिलती है हमारी सैल्वेशन में, हमारे उद्धार में भी। जब हम पढ़ें यूहन्ना द्वारा रचित सुसमाचार उसका 6:65 छठा अध्याय और उसकी 65 है, उसमें ऐसे लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, और उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इसीलिए मैं तुम से कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से ये वरदान ना दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। अनलेस द फादर ड्रॉज यू अनटू मी यू कैन नॉट कम टू मी। जब तक परमेश्वर आपको मेरी तरफ ना खींचेंगे तब तक आप मुझे जान भी नहीं सकते। ये से पता चलता है कि परमेश्वर जो है वो हमारी सैल्वेशन के ऊपर भी प्रभु हैं। परमेश्वर की संप्रभु इच्छा, परमेश्वर की सोवरेन विल हमारी सैल्वेशन में भी दिखाई देती है। और फिर परमेश्वर की जो संप्रभु इच्छा है वो इस जगत में जो बुराई है, जो विकेडनेस है, जो ईवल है, उस पर भी दिखाई देती है। जब हम पढ़ें यशाया उसका 45:7, यशाया उसका 45:7, उसमें परमेश्वर ऐसे कहते हैं, मैं उजियाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूँ, मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूँ, मैं यहोवा ही इन सबों को करता हूँ। सो गॉड इज द वन हु हैज क्रिएटेड द लाइट, हु हैज क्रिएटेड क्लैमिटी। तो ईवल के ऊपर भी परमेश्वर का एक अथॉरिटी है। परमेश्वर की जो पावर हमें दिखाई देती है वो ईवल और विकेडनेस के ऊपर भी है। लेकिन क्या परमेश्वर की बनाने वाले इसको सृजनहार भी है? क्या बुराई जो इस संसार में आई है वो परमेश्वर की तरफ से आई है कि नहीं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिर परमेश्वर की जो संप्रभु इच्छा है वो हमें जन्म, जीवन, हमारी जो हेल्थ है और जो इस संसार में मृत्यु है, उन सब पर भी देखने को मिलती है। वो कैसे देखने को मिलती है? जब हम पढ़े 1 शमूएल उसका 2:6, उसमें कुछ इस प्रकार से लिखा है, यहोवा मारता है और जिलाता भी है, वह अधोलोक में उतारता और उसे निकालता भी है। सो गॉड इज द वन हु गिव्स लाइफ एंड ही इज द वन हु टेक्स दैट लाइफ फ्रॉम पीपल। ही इज इन कंट्रोल ओवर आर लाइफ। हमारी लाइफ में जब हम जी रहे हैं चाहे हम मर रहे हैं, उन सब बातों पर यहोवा परमेश्वर ही प्रभु हैं। God is in control over our birth, over our life, over our health and over our death. हर एक बात में परमेश्वर
प्रभु हैं, गॉड्स सोवरेन विल इज इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन आवर लाइव्स। और परमेश्वर की ये जो इच्छाएं हैं, ये जो परमेश्वर की इच्छा है, इसको कोई भी खत्म नहीं कर सकता। नो वन कैन थ्वार्ट गॉड्स प्लान, गॉड्स प्लान कैन नॉट बी थ्वार्टेड इन एनी वे। यदि हम पढ़े यशाया नबी की पुस्तक फिर से, उसका 46 का 8 में कुछ इस प्रकार से लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। हे अपराधियों, इस बात को स्मरण करो और ध्यान दो, इस पर फिर मन लगाओ। प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ ही से हैं, क्योंकि परमेश्वर में ही हूं पर दूसरा कोई नहीं, मैं ही परमेश्वर हूं और मेरे तुल्य कोई नहीं है। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूं जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूं मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरा करूंगा। गॉड विल फुलफिल हिज प्लान्स, फुलफिल हिज पर्पस, ही विल फुलफिल हिज विल। सो जो परमेश्वर ने ठहराया है वो उसको पूरा करेंगे, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। जो आदि से चली है बात, जो अंत में आएगी, वो सब पूरी होने वाली है, क्योंकि परमेश्वर ने इन सब चीजों को ठहराया है। हमने देखा कि परमेश्वर की जो सोवरेन विल है, जो उनकी संप्रभु इच्छा है, वो हर एक चीज पर है, यहां तक कि बुराई और विपत्ति पर भी। लेकिन क्या परमेश्वर बुराई और विपत्ति के ऑथर है? इज ही द वन हु इज द ऑथर ऑफ ईवल एंड सफरिंग इन दिस वर्ल्ड? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परमेश्वर बुराई और विपत्ति के कभी भी सोर्स नहीं है, कभी भी स्रोत नहीं है। लेकिन हम परमेश्वर अपनी इस विजडम में हम देखते हैं कि परमेश्वर अपनी बुद्धि में इन सब चीजों को होने के लिए अलाउ करते हैं कि किसी के जीवन में बुराई आए, किसी के जीवन में विपत्ति आए, क्योंकि परमेश्वर का उसे बड़ा उद्देश्य है, उसे बढ़कर परमेश्वर ने चीजें रखी हुई हैं। और हम परमेश्वर की इस प्रभुता को, संप्रभुता इच्छा को हम किस प्रकार समझ सकते हैं? जब हम एक ऐसा चश्मा डालें जो परमेश्वर के चरित्र का है। परमेश्वर का चरित्र है कि परमेश्वर अच्छे हैं, परमेश्वर सामर्थी हैं, और परमेश्वर सब जानने वाले हैं, और परमेश्वर बुद्धिमान हैं। जब हमें ये सब चीज़ें पता होंगी, तब हम जानेंगे परमेश्वर ने जो भी संसार में किया वो अच्छे के लिए ही किया है, क्योंकि उनका एक बड़ा उद्देश्य है जिसको हम अभी नहीं समझ सकते अपने जीवनों में। परमेश्वर ने कुछ अच्छा ठहराया हम सब के लिए जिसको हम अभी नहीं समझ पाएंगे। और परमेश्वर पर कोई भी ब्लेम नहीं लगा सकता, कोई दोष नहीं लगा सकता, क्योंकि परमेश्वर अपने चरित्र में अच्छे हैं, वो नैतिक रूप से बहुत अच्छे हैं, और परमेश्वर ने कोई भी बुराई नहीं की। लेकिन जब ये सब चीज़ें अगर हम देखते हैं संसार में बुराइयां हो रही हैं, क्या परमेश्वर ने उन सब चीज़ों को होने में किया है? परमेश्वर अलाउ करते हैं विपत्ति को आने में, क्योंकि परमेश्वर का एक बड़ा उद्देश्य है। जैसा मैंने कहा, यदि हम यूसुफ का जीवन देखें तो परमेश्वर ने उसके जीवन में हर तरह की बुराई आने को दी। यदि हम उत्पत्ति उसका 50:20 पढ़ें तो पता चलता है कि वो कहता है कि तुमने चाहे मेरे लिए बुराई सोची, परंतु परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा था। और वो अच्छाई हमें देखने को मिलती है यूसुफ के जीवन में, जोसेफ की लाइफ में। तो परमेश्वर ने जो भी ठहराया है अपनी संप्रभु इच्छा में होते हुए, वो अपनी महिमा के लिए ठहराया है। और परमेश्वर ने कुछ भी किया है वो इसलिए किया है ताकि कल को हमारे जीवनों का जो में कुछ अच्छा उद्देश्य वो पूरा कर सकें। हम चाहे इस चीज़ को अभी ना समझ पाएं कि ये जो बुराई हो रही है हमारे जीवन में क्यों हो रही है, ये सब चीज़ें क्यों घटित हो रही हैं, लेकिन एक समय आएगा कि जब हम समझ पाएंगे। सो परमेश्वर की संप्रभु इच्छा के तहत ही हमारे जीवन में घटनाएं घटित हो रही हैं, और हमें परमेश्वर का भरोसा करना है। वी नीड टू ट्रस्ट गॉड फॉर दिस, क्योंकि परमेश्वर अच्छे हैं, परमेश्वर होली हैं, परमेश्वर युक्त हैं, गॉड इज राइचियस एज वेल। और हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर पर ट्रस्ट करते हुए उनके उद्देश्य को अपने जीवन में पूरा होने देना। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता धन्यवाद, आपने ये संदेश दिया कि आप प्रभु हैं और आपकी संप्रभु इच्छा हर एक चीज़ पर है, हमारे जीवन पर है, बुराई पर है, हमारे उद्धार पर है, और आपके उन उद्देश्यों को कोई भी खत्म नहीं कर सकता। धन्यवाद इस आश्वासन के लिए कि आप हमारे प्रभु हैं और आपकी जो सोवरेन विल है, जो संप्रभु इच्छा है, वो हमारे जीवन में कार्य कर रही है। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले दिनों में मैं इस विषय को, गॉड्स विल की जो बातें हैं, वो और गहराई में लेकर जाऊँगा, ताकि हम सबको समझ आए कि परमेश्वर की असल में इच्छा क्या है। तो आज जो हमने सोवरेन विल के बारे में बात की, आप प्लीज़ इस वीडियो को दूसरों को भी शेयर कीजिए। बाइबल की बात को फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।
बाइबल की बात तरुण के साथ चलती रहेगी। तब तक के लिए देखते और करते रहिए क्या बाइबल की बात।